अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और क्या हो रहा है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जो भी न्यू व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ आए हैं म्यूज़ियम, और म्यूज़ियम में यहाँ पे जो है ना हिस्टोरिकल जो आइटम्स हैं वो यहाँ पे एग्जीबिशन में लगे हुए हैं। तो ये देखने के लिए आए हैं, जद्दा में है ये म्यूज़ियम इस वक्त, जो यहाँ पे हज टर्मिनल है, जहाँ पे हुज्जाज हाजी वगैरह जो आते हैं, तो उस टर्मिनल पे इन लोगों ने ये म्यूज़ियम बना दिया। और ये इस वक्त हम वहाँ एंटर हो चुके हैं, हमने टिकट्स वगैरह शो कर दिए थे, ऑनलाइन बुक किए थे, और अभी हम जा रहे हैं इसमें अव्वल बैत अल-क़िबला। काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है ये जो है ना, एक्चुअली ये एयरपोर्ट है हाजियों का, और इन्होंने यहाँ पे ये म्यूज़ियम बना दिया। अभी दिस इज द उस वक्त की घड़ी, टाइम में ऐसे चेक करते थे ये घड़ी है, सही बात है। ये बिल्कुल, दिस इज द क्लॉक एट द समथिंग I think they have, you know, they have informed that, that whatever they made and whoever they made, yeah. And what is that? This is a clock. ये घड़ियाँ हैं पुराने ज़माने की ना, इसको देखें, लिखा हुआ भी अल मगरिब, अल मशरक और साद, यानी साद अरबी में इसको घड़ी को कहते हैं। ओके, नो आईडिया। इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है वेव कैचर, हाँ ये है ना। ये हैं पार्ट्स ऑफ कुरान, और किस फोर्थ सेंचुरी से 10th सेंचुरी तक के दरमियान में ये यूज हुए हैं। फोर्थ सेंचुरी काफ़ी पुराने हैं, ये कुरान के कुछ हिस्से हैं, कुछ पार्ट्स हैं जो कि 4th century के हैं। ये सब क्ले से बने हुए हैं, ये कलरफुल, और ये मुस्लिम उम्मा के बारे में उसने, यानी कि जो आर्टिस्ट है उसने ये बताया कि डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रेस के जितने भी लोग हैं, मगर क्या है, वी आर टुगेदर, वी आर मुस्लिम, ये उसका कॉन्सेप्ट उसने दिया है। ये बहुत ही खूबसूरत जो है ना कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब जिस जगह जा रहे हैं ना हम, ये प्रेयर टाइम चेक करने का तरीका है पुराने ज़माने में, उस ज़माने में, यानी कि कदीम ज़माने में लोग, कि नमाज का वक्त क्या हुआ है, कैसे, कौन सी नमाज का वक्त है, वो सूरज को देख के करते थे, उसमें लाइट डिम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, और ये भी उसी बारे में बता रही है, अरबिक में बता रही है, तो मैं ये क्या आपको इसको उर्दू में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि वो इसी बारे में बता रही है कि सूरज कहीं पे देखें डार्क हो रहा है, कहीं पे ये बहुत ब्राइट हो रहा है, और कहीं पे बिल्कुल जो है ना ये लाइट हो रहा है, तो इसका इसी को देख के जो है ना ये टाइम चेक करते थे, और अपना नमाज का वक्त इसको पता चलता था कि ज़ोहर का वक्त है, कि फजर का वक्त है, कि मगरिब का वक्त है, तो ये इस सूरज को देख के, सूरज को फॉलो करते थे। अब जो बनी है ये पुराने छोटे छोटे टाइल्स के टुकड़ों से ना इन्होंने बनाई है, और ये देखिए ये पीसेस हैं, छोटे छोटे पीसेस हैं, और उसके इन्होंने ये पूरी मेहराब बनी हुई है पुराने ज़माने की, उस ज़माने की जो पहली मेहराब है, आई थिंक वो है पहली मेहराब मदीना में बनी थी, और ये इस तरह बनी थी।
और ये है कुरान यहाँ पे काफ़ी बड़ा, और ये हाथ से लिखा हुआ है, कैलीग्राफी जिसे कहते हैं वो किया हुआ है। और ये कब का है, आई थिंक इसमें जो लिखा हुआ है वो 1256 1256 यानी काफ़ी पुराना जो है ये कुरान है। ये है वो कुरान, ये हैंड रिटन है। अभी बस इसके कुछ ही और आग जो है ना वो बाकी है जो कि रनिंग म्यूजियम में रखे हैं। और ये जानमाज कारपेट जिसे जिस पे नमाज पढ़ी जाती है, ये भी काफ़ी पुराना है। इसके बारे में पढ़ते हैं, ये कब का है। ये 9th century यानी कि 9वीं सदी का जो है ये कारपेट है, 9th century का। ये कैंडल स्टिक है जो कि मेड बाय है अली बिन उमर बिन इब्राहिम अल सनकारी अल मौसली, जो कि इराक में 717 में उन्होंने जो है ये बनाई है। काफ़ी पुरानी जो है ना ये, देखें आप माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जो है ना ये बनी हुई है। ये है कतबे जो के कब्र के जो कब्र के ऊपर लगते हैं ना मरहूम के लिए, ये वो कतबे हैं। और ये काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी पुराने ज़माने में इस तरह के जो ना कतबे बना के लगाए जाते थे। ये देखें आप, इस पे पत्थर पे ही जो है ना वो लिखा हुआ है, पेन से नहीं इसको तराश के लिखा हुआ है। ये भी खाने काबा का गिलाफ है, ये दरवाजे पे होता ना ये वो है आप। और ये किस ज़माने का है ये भी मैं आपको देख के दिखाता हूँ। ये 1990 का है और ये किंग फहद के ज़माने का जो है गिलाफ है, गिलाफ काबा। और ये जो है ना ये सतून है, ये देखें अब ये सतून है जो काबे के अंदर है, काबे के अंदर होता है ना ये, वो ओरिजिनल उस पुराने ज़माने का है ये। और अभी ये बाहर इन्होंने लगा दिया है यहाँ पे म्यूज़ियम में, अभी भी है वहाँ पे सतून है मगर वो डिफरेंट काइंड है। मगर ये पहले पुराने ज़माने में इस तरह का सतून होता था काबे के अंदर। और ये वो अंकल हैं जिनको आप देख रहे हैं, ये जो जा रहे हैं ना, ये अंकल बता रहे हैं कि ये अपनी जवानी में काबे के अंदर जा चुके हैं और उन्होंने यही सतून अंदर लगा हुआ देखा था। अच्छा, और ये दरवाज़ा है खाने काबा का, बाबुल काबा। और ये खिलाफत अब्बासिया के दौर का है, ये काफ़ी पुराना है। ये हरम के पिलर्स हैं, खिलाफत उस्मानिया के ज़माने के हैं ये पिलर्स। ये हरम में जो पिलर्स मस्जिद को खड़ा करने के लिए, जो छत को रोकने के लिए जो पिलर्स होते हैं, ये वो है ये। ये भी ओमान का है, ओमान में हुआ था ये, बना था। और ये कोई 400 साल पुराना, 1660 का है ये, 1660 में ओमान में। काबे का ये 250 साल पुराना जो है काबे का गिलाफ है, ये 250 साल पुराना। ये मिलिट्री की हाई पोस्ट पे ये वाला
जो ना ड्रेस पहना जाता था आयरन और ब्रास से बना हुआ है, और हिंद में जो इस्तेमाल होता था ये 12 से 18 सदी के दरमियान में ये इस्तेमाल किया गया था। और ये है मिंबर, ये है काबे का, काबे की सीढ़ियाँ जो काबे में लगाई जाती थी, ये 200 साल पुरानी है, ये 200 साल पुरानी। अच्छा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें सिर्फ काबे से रिलेटेड नहीं है बल्कि दूसरी कंट्रीज़ से भी जो है ना ला के जो है ना यहाँ पे सामान रखा गया, जिसमें कतर, ओमान और मिस्र वगैरह शामिल है। तो ये सब आप देख सकते हैं। बस यहाँ मैं अपना व्लॉग एंड करूँगा क्योंकि इसके बाद मेरा मोबाइल बंद हो गया था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये वीडियो देख सकें।